हेलो एवरीवन, इंडियन मॉम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम मसालों के साथ। ये देखिए, हमने गोभी ली हुई है, इसे हमने गुनगुने पानी में 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और ये हमने 2 आलू काटे हुए हैं, ये हमने लहसुन लिया हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची काटी हुई है, हरा धनिया लिया हुआ है, और मसाले में हमने ये हल्दी ली हुई है, और ये गरम मसाला लिया हुआ है, ये लाल कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है 1/2 टीस्पून, ये भी 1/2 टीस्पून लिया हुआ है गरम मसाला, और हल्दी भी हमने 1/2 टीस्पून ली हुई है, और नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, कढ़ाई में हमने बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया हुआ है, सिर्फ हमने ये बड़ा चम्मच, इसका हाफ चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है, अब हमने इसमें लहसुन डाल दिया है। इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें हल्दी डाल दी है, अब हम इसके बाद इसमें आलू डालेंगे, कटे हुए आलू। ये देखिए, हमने इसमें आलू डाल दिया है, अब हम इनको आलू को ढककर पकाएंगे। ये देखिए, हमारा 50% आलू पक चुका है, अब हम इसी में गोभी डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची भी डाल दी है, और हाँ, हरी मिर्ची भी डाल दी है, और नमक भी डाल दिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, और जो हमने हरा धनिया काटा था वो डालेंगे, फिर इसको हम 1 मिनट के लिए फिर ढक के पकाएंगे। ये देखिए, हमने तीनों चीज़ डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और ये कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसको 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे, हमारी सब्जी तैयार। ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म गोभी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, ये देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, कम तेल और कम मसालों के साथ और बिना पानी के। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। आप भी इस तरीके से एक बार गोभी आलू की सब्जी बनाइए, खुद खाइए और अपनों को भी खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।